खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, तस्वीरें लाइव आपके सामने चल रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बड़ी अपनी जीत की ओर भी बढ़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीधे अमित शाह पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह खुद भी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे, गांधीनगर सीट पर, वो सीट जिस पर लालकृष्ण आडवाणी सांसद हुआ करते थे। 1984 से लगातार ये बीजेपी के पास सीट है, 5 लाख से ऊपर का उनका मार्जिन हो चुका है, अभी भी काउंटिंग जारी है। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड मतों से अमित शाह वो सीट जीत सकते हैं। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय को घेरा हुआ है। अमित शाह साहब की गाड़ी अंदर तक नहीं जा पा रही है, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को इंतजार करना पड़ा है ताकि जगह बने, दरवाजा खुले तो वो अंदर प्रवेश कर सके। इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने लाइव चल रही हैं। जीवीएल नरसिम्ह राव, प्रेमचंद मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं। जीवीएल, आपको जवाब देना है, क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाए या भरोसा नहीं है राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनके चेहरे पर जनता को? जीवीएल सुमित जी, ये मैं मानता हूँ देश की जनता हर एक के बारे में, हर एक नेता के बारे में, उनके कामकाज को आंकने में कहीं उनकी तरफ से कभी गलती नहीं होती है, सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझती है। बट लेकिन एक ही मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को समझने में कांग्रेस की और विपक्षों की कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो गलती करने वाले नेताओं में से नहीं है, वे जब छोटी भी गलती होती है तो वो सुधारते हैं। और गुजरात में बार बार उनको जीत किस कारण मिला था, बार बार मुख्यमंत्री क्यों बने थे? इसलिए बने थे क्योंकि वो 24 दिन में, 24 घंटों में 18 घंटे 20 घंटे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। पूरी एक ईमानदारी से पूरी कोशिश करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। चुनाव के बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको। चुनाव के 3-4 महीने पहले तक किसी भी प्रदेश में, वो प्रदेश में मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन चुनाव के बारे में 4 महीने पहले तक सोचते ही नहीं थे। पूरी तरह ईमानदारी से, पूरी लगन से अपने काम में लग जाते हैं। जीवीएल में रोक रहा हूं आपको, ये तस्वीरें बहुत लाइवली आ रही हैं आपके पार्टी मुख्यालय से। अमित शाह की गाड़ी है, पार्टी मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एंटर कर चुकी है बीजेपी मुख्यालय में, और फूलों की बारिश हो रही है, गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं, वो पंखुड़ियां हम देख सकते हैं। सफेद रंग की कार पर गुलाबी रंग के गुलाब फूल अलग ही नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ। अमित शाह, आप गाड़ी से बाहर निकल आए हैं, ये पहली तस्वीर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। आज सुबह से पहली बार अमित शाह की ये तस्वीर, पहली तस्वीर है। अमित शाह इस जीत के दूसरे सबसे बड़े नायक, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम समर्थक देते हैं। इस परफॉर्मेंस के साथ जो बात कही कि 300 के ऊपर लाके दिखाएंगे, और बीजेपी का विजयी रथ 300 के ऊपर जा रहा है, जो कहा वो करके दिखाया, ये बात अमित शाह पर इस वक्त बिल्कुल ठीक लागू होती है। पार्टी मुख्यालय पहुंचे, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ भाजपा का झंडा। कमलकांत, अमित शाह अपने घर से निकलकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, एक बैठक होनी है, फिर शाम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी मुख्यालय आना है। शाम 5 बजे के बाद प्राइम मिनिस्टर के आने का प्रोग्राम है, 6 बजे प्राइम मिनिस्टर वहां पर एड्रेस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भाषण देंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिसका राष्ट्रीय प्रसारण होगा, तमाम चैनलों पे आप उसको लाइव देखेंगे कि वो देश की जनता को किस तरीके से उनका आभार जताते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय की जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर भी लोग बाग बैठे हुए हैं, चढ़े हुए हैं। अमित शाह की पहली तस्वीर है। सागर, ये देखो, बहुत बड़ी जीत के साथ अमित शाह पहुंचे हैं। झंडा नीचे करो, बीजेपी गठबंधन को 345 सीटें आ रही हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर टैली में देख सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी अपने पिछले परफॉर्मेंस के आसपास से भी खराब जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा यूपीए 91 के आसपास है अभी भी। बता दें ये रुझान और नतीजे मिला के आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है। केसरिया रंग का कुर्ता और काले रंग की जैकेट पहने हुए हैं। केसरिया रंग जिसको बीजेपी अपना रंग कहती है, जिसको वो हिंदुत्व से जोड़ के बताती है, और काला रंग की सदरी उसके ऊपर वो पहने हुए। इतनी भीड़ में एक गाड़ी आप देख सकते हैं, इस शानदार तस्वीरों को जो बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखाई दे रही है। अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इस बार खुद विपक्षी बोल रहे थे कि कोई हवा नहीं चल रही है, किसी की वेव नहीं है, उसको गलत साबित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारे इंटरव्यू में एबीपी न्यूज पर कहा, और उसका फायदा देखिए, उसका असर देखिए, वो सच साबित हुई। और आज उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वो जो लाइन दी, वो जो रास्ता तय किया, जो मार्ग दिखाया, उस पर पार्टी चलकर अब 350 के आंकड़े के आसपास पहुंच रही है, 346। राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अमित शाह को अध्यक्ष बने थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बने अभी डेढ़ साल का वक्त हुआ है, लेकिन अमित शाह के खाते में जो जीत का दायरा है वो बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार करा चुके हैं। बीजेपी की सरकारें लगभग 19-20 राज्यों तक पहुंच गई थी, अभी 3 राज्यों में हार के बाद वो आंकड़ा 16 पर आ गया है, और फिर लोकसभा चुनावों में जीत। पिछली बार अमित शाह अध्यक्ष तो नहीं थे 14 में, लेकिन महासचिव थे, यूपी के प्रभारी थे, और यूपी में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। इस बार पूरी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, पूरे देश में उनके प्रचार अभियान लगे हुए थे, और खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे गांधीनगर से पहली बार। हर पैमाने पर, हर मुकाम पर अमित शाह ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपनी पार्टी के लिए और खुद अपने लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने सांसदों के लिए। जो नई टीम बन रही है वो पिछली बार से मजबूत नजर आ रही है। 282 का आंकड़ा था पिछली बार, जो बाद में बाई इलेक्शंस में बीजेपी कई जगह पे चुनाव हारी, 270-271 पे आ गया था, लेकिन अब उस आंकड़े से 300 तक पहुंच गई है बीजेपी अपने दम पर। और ये सब कुछ अगर क्रेडिट दिया जाएगा तो जो संगठन क्षमता है अमित शाह की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो चेहरा है, उनके जो नीतियां हैं, उनका जो कार्यक्रम है उसको, इसीलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उनके साथ के लोग, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग अजय भी कहते हैं कि ऐसी जोड़ी है जो नहीं हार सकती। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ देर पहले जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब एक ऑफिस के अंदर दाखिल कर गए, प्राइम मिनिस्टर का एक नया ट्वीट आ गया है, 2 ट्वीट आए हैं। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नवीन बाबू फॉर येट अनदर विक्ट्री इन ओडिशा, विशिंग हिम द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टर्म। और यही चीज उड़िया में भी लिखकर उन्होंने नवीन पटनायक को, जो कि बीजेडी के नेता हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई दी है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में, जिनकी पार्टी ने एक तरीके से स्वीप कर दिया है पूरा चुनाव, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, उनको भी शानदार जीत के लिए बधाई दी है। पीएम लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिमार्केबल विन इन आंध्र प्रदेश, बेस्ट विशेष टू यू फॉर ए सक्सेसफुल टेन्योर। और यही चीज उन्होंने तेलुगु में भी लिखी है। पीएम ने ट्वीट कर नवीन पटनायक और YS जगनमोहन रेड्डी, जो 2 नए मुख्यमंत्री होंगे नई विधानसभाओं के, उनको बधाइयां दी हैं। अमित शाह की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से लाइव है, पार्टी के भीतर वो प्रवेश कर चुके हैं, बाहर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का वो इलाका भगवा रंग से पटा हुआ है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, नवीन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, अमित शाह इस जीत का कितना बड़ा श्रेय उनको मिलना चाहिए? देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहें कि अमित शाह एक बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी हैं, और गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन के काफ़ी कई साल तक वो सदस्य, ये प्रेसिडेंट भी थे,
तो अमित शाह ने भी इंडियन राजनीति को एक चेस के गेम की तरह खेला है। और अगर आप देखिएगा तो जिस तरह से टायरलेस वर्कर हैं, हमको याद है कि 1.5 साल पहले सुखा होटल में एक लंच के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले इलेक्शन में रायबरेली या अमेठी उसमें से एक सीट हम जरूर जीतेंगे और वेस्ट बंगाल में हम लोग 22 क्लास का टारगेट सेट किया था, उसी समय टारगेट सेट किया था। अमित शाह में कि जो वो टारगेट सेट करते हैं, बहुत सारे नेता जो है कुछ भी बात कह देते हैं उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है, लोग याद रखते हैं। अमित शाह जब टारगेट सेट करते हैं तो ही मीट्स द टारगेट, अनलाइक राहुल गांधी जो कि इलेक्शन के एक दिन पहले तक इन लोगों ने टाई अप करना, बिहार में नॉमिनेशन हो रहा था और उस समय तक भी अलायंस नहीं था, इन लोगों ने लोगों को ग्रांटेड लिया। लेकिन देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर सेट्स द एजेंडा और अमित शाह ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव और डेडली। शतरंज की बिसात के, राजनीति की बिसात के सबसे बड़े खिलाड़ी अमित शाह ने साबित हुए। मैं लौटूंगा, अमित शाह वहाँ पहुँचे इस पर हम चर्चा भी करेंगे और अमित शाह के रोल को तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकता इस बड़ी जीत में, उन पर चर्चा होनी बहुत लाजमी है।